बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहम्मद इरफान साद मेरा नाम है एंड बेसिकली आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन। इट्स अ फेडरल इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आज का जो हमारा एक इंट्रोडक्शन जो प्लान किया गया था, इस हवाले से मैं अपने हवाले से कोई ब्रीफ करना चाहता हूं कि मेरा जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस का जो जर्नी है वो कैसे कैसे मैंने जो है वो तय किया है, और मेरा इकरा एकेडमी जो है उसके साथ मेरा जो एक एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। इसमें सबसे पहले तो ये बात ये है कि एक हर बंदे का एक अपना जो है वो एक मेथड होता है, अपनी मेथोडोलॉजी होती है कि किस तरह से वो जो है किसी चीज़ को अटेम्प्ट करता है। और मेरे ख़्याल में तो यही चीज़ जो है ये बंदे को कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन में एक्सेल करवाती है कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ आते हैं। तो मेरा थोड़ा सा इसमें जो सफ़र है वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि मैंने साथ प्राइवेट जॉब की है शुरू में मास्टर के बाद। बेसिक क्वालिफ़िकेशन मेरी MBA फाइनेंस है, और साथ मैंने बाद में पॉलिटिकल साइंस में जो है वो मास्टर किया है। बेसिक एजुकेशन यहाँ सरगोधा यूनिवर्सिटी से ही है। तो मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था वो मतलब एक प्राइवेट जॉब का था, उसके साथ साथ मेरा जब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का की तरफ आया तो ये 2010-12 का जो है ये रहा था, थोड़ा सा टाइम जो है अब ज़्यादा हो गया। तो उसी दौरान मैंने इकरा एकेडमी को ज्वाइन किया, और इकरा एकेडमी से जो मुझे मेन जो चीज़ एक मिली है वो ये चीज़ है कि एक आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको एक डायरेक्शन देने के हवाले से, और आपको एक प्रोवाइड करने के हवाले से कि एज अ टॉर्च बियरर कि आपने इस चीज़ को कैसे करना है। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इमरान साहब जो मतलब कोऑर्डिनेटर हैं, ओवरऑल हेड हैं इकरा एकेडमी के, इकरा CSS 7 की मैं बात कर रहा हूँ कि जो सरगोधा में एकेडमी है। तो इसमें पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैंने CSS की 2012 की अटैम्प्ट ली। उसमें इंग्लिश का जैसे पेपर लोगों का ड्रॉप होता है, बाकी मार्क्स ठीक थे लेकिन इंग्लिश में ड्रॉप हुआ। और उसके बाद सेकंड जो अटैम्प्ट ली वो मैंने 2014 की ली, और वही PMS की भी ली। बस अपनी मसरूफियात और उस चीज़ की वजह से कुछ ना कुछ जो है वो एरर्स हुई, वरना एकेडमी ने मुझे एक पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि मैं वहाँ पे जो है अपने आप को सही तरह से जो है वो प्रिपेयर कर सकूँ। और उसी का एडवांटेज ये हुआ कि मैंने जब अपने सिंगल पेपर की तरफ आया मैं, तो मेरे वही पेपर जो बहुत ज़्यादा जो है वो फेलियर्स का शिकार थे, फेडरल लेवल पे आप देखें, प्रोविंशियल लेवल पे, आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अमूमन लोग ये समझते हैं ये कोई आइसोलेटेड काम है कि आपने जस्ट जो है दो चार बुक्स का जो है वो रट्टा लगाना है, उससे आपका ये सिंगल पेपर होता है। इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें ज़्यादातर लोग वही एक्सेल कर रहे होते हैं कि जो या तो CSS की तैयारी कर चुके होते हैं, अटैम्प्ट ले चुके होते हैं, या वो उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसी के साथ साथ वो सिंगल पेपर जो है वो अपना अटैम्प्ट करते हैं। तो 2012 में मैंने CSS से जो है वो CSS की तैयारी की इकरा एकेडमी से, और सारे सब्जेक्ट्स में मैंने जो है वो अच्छे मार्क्स लिए, खुसूसन इस्लामिक स्टडीज़ में 70+ मार्क्स लिए, इसी तरह से PMS में मैंने 80+ मार्क्स लिए। और इसी की बेस पे शायद ये एकेडमी का ट्रस्ट है कि आज मैं जो है अपने इसी एकेडमी में जो है काफ़ी सालों से जो है, अदर दैन कि मेरी कराची में सिंध में पोस्टिंग रही है, उसके अलावा जितने भी आपके जो सेशंस गुजरे हैं 2012 या 2014 के बाद, तो उन सबको मैंने इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाया है। और अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि जिसमें हम बच्चों को उनको ख़ुद अपना एक माइंड जो है वो चलाने का मौका देते हैं कि वो अपना प्रेपरेशन जो है वो अपने हिसाब से कर सकें। उसके बाद ये है कि जो करंट जो एस्पायरेंट्स हैं, ऑल दो 2016 में सिलेबस जो है वो चेंज हो गया था, और उसी तरह से जो है अब नए सिलेबस पे जो है वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको डिवाइड किया गया है, और उसी के जो है वो पेपर्स होते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी तकरीबन CSS में वही सेम स्ट्रेटजी है। और सेम क्या मतलब, किसी की भी स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकती। असल में आपको यही बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा मानना ये है कि ईच एंड एवरी एस्पायरेंट मस्ट कम विद हिज आर हर ओन स्ट्रेटजी, अपनी रेसिपी के साथ आएँ, किसी को आप डिक्टो कॉपी नहीं कर सकते। और यही उसूल ज़िंदगी में भी कार फरमा है कि जब आप अपनी ज़िंदगी को
हकीकतन किसी और की ज़िंदगी पे बिल्कुल छाप नहीं सकते कि आप उसकी ज़िंदगी को कॉपी पेस्ट कर लें तो आप ज़िंदगी से ही गुजार सकते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट जो है वो क्वालिटी से, एबिलिटी से नवाजा है। हाँ, ये चंद चीज़ें सेम हैं कि जिसमें दो चार पॉइंट्स को अगर मैं आपके सामने रखूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव गॉट द रीडिंग एबिलिटी। अगर आप में रीडिंग स्टेमिना नहीं है, आप चीज़ को पढ़ नहीं सकते, तो ज़ाहिर है किसी भी सिलेबस को आपने पढ़ के ही उसको प्रिपेयर करना है। बाज़ बच्चों की ये शिकायत होती है कि हमें कोई ऐसे रेडीमेड नोट्स जैसा कि बैचलर या मास्टर्स में दिए जाते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएँ तो हम उसको कर लेंगे तो इसके बाद हम एक्सेल कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। आप अपना जो भी सिलेबस की आउटलाइन है, जो आपके पास पूरा दिया हुआ एक जो पैटर्न है, उसके ऊपर आपने उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको पहले पढ़ना है, फिर उनकी प्रेपरेशन करनी है, और उसके बाद आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये फर्स्ट चीज है कि आपकी रीडिंग एक स्टेमिना जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात ये है कि ईच एंड एवरी थिंग यू हैव लर्न्ड फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम एनी रिसोर्स सोर्स, यू हैव टू पुट इट ऑन द पेपर्स। आपने वहाँ डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास शीट्स ही होंगे जिनके ऊपर आपने लिखना होगा। अमूमन ये होता है कि पूरा सेशन गुजारने के बाद भी स्टूडेंट इस लेवल पे नहीं होता कि वो एक भी फुल लेंथ एसे या फुल लेंथ क्वेश्चंस जो हैं हर सब्जेक्ट का, एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, 5 इतने क्वेश्चंस भी कम अज़ कम वो कर चुका हो, या उसने फुल लेंथ एक पेपर भी सॉल्व किया हो। और यही चीज़ काउंट करती है कि जो वहाँ पे जाके आपके स्टेमिना को डिस्टर्ब करती है। आप उस पेपर को, अगर आपको क्वेश्चंस जो हैं उन पे अबूर भी होता है, आपकी प्रिपरेशन भी होती है, फिर भी आप उसको सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है कि आप फुल लेंथ पेपर से गुजर के नहीं आए होते। इसका हल इकरा अकेडमी ने ये निकाला है कि पूरे फुल लेंथ जो टेस्ट हैं आपके, वो MCQs हैं, आपका जो पैटर्न है उसके ऊपर लिए जाते हैं, और साथ आपके जो पूरे फुल लेंथ टेस्ट हैं पूरे वो लिए जाते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और उसको एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू जो है वो चेक करवाया जाता है। और दूसरा मेरा इस रीडिंग स्टेमिना के बाद राइटिंग प्रैक्टिस, और फिर आपको एक और एडवाइस मेरी तरफ से ये है, वो शायद दूसरों से थोड़ी डिफरेंट भी लगे। बाकी सारे लोग जितने CSS के क्वालिफायर्स हैं या जो लोग CSP बन चुके हैं या गवर्नमेंट सर्विस में आ चुके हैं, वो ये कहते हैं कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू रखें, आप 5 साल लगाएं, 10 साल लगा दें, 6 साल लगा दें, जब से आपकी 20 एज होती है, 21 जब आप एलिजिबल होते हैं उससे लेकर 30 तक कंटिन्यू करें। मैं ऐसी एडवाइस हरगिज़ नहीं करूँगा। आपको ये चाहिए कि जितनी इसकी अटैम्प्ट्स हैं उसके लिए एक माइंड मेकअप बनाएं और उन अटैम्प्ट को जल्दी से जल्दी ले गुजरें, क्योंकि उसके बाद ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ें हैं। आप अगर CSS में कामयाब नहीं भी होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड कम विद द स्ट्रेटजी ऑफ योर ओन रेसिपी, और आप कामयाब होंगे, एक्सेल होंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ द नेचर है कि अगर आप एक चीज़ के लिए इनपुट देते हैं तो आपके आउटपुट आपको लाजमी मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपके पास बहुत सारे वेंचर्स हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो IT प्रोफेशनल्स होंगे, IT में स्किल्स होंगी, वो IT में जा सकते हैं। इंजीनियर्स जो हैं अपने प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनका एक भरपूर प्रोफेशन है वो अपने प्रोफेशन में, या इसी तरह से जो लोग लॉ क्वालिफाइड हैं वो लोग अपने प्रोफेशन में जा सकते हैं। ये मेरे जो प्रोफेशन है बिजनेस और फाइनेंस का, उसके साथ जिन लोगों का ताल्लुक है वो अपने शोबे में जाके एक्सेल कर सकते हैं। तो इसके साथ आप आएँ कि विद इन थ्री टू फोर ईयर्स जितने आपके पास अटैम्प्ट हैं उसमें PMS की हों या CSS की हों, आप उसको ले गुजरें। अल्लाह ताला आप पे जो है वो करम करेगा, इंशाल्लाह आप एक्सेल ज़रूर।